पहले ये खत्म कर लेते हैं, इसके अंदर डाल देंगे इसको। ये इसको थोड़ा सा डाल देना है। ये मिनी, ये नॉर्मल है 2 वाट और है इकोनॉमी 3 आवर 5 मिनट्स का। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एनीथिंग न्यू में आपका सबका स्वागत है। तो आज जो प्रोडक्ट मैं आपके सामने लाया हूँ वो है वोल्टास विको का एक 8 प्लेट सेटिंग का एक डिश वॉशर है। जो आज जो न्यूक्लियर फैमिली है, ज्यादातर लोग एक दो आदमी रहता है फैमिली में, तो उनके लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो देखिए, चलिए आज रिव्यू शुरू करते हैं। ये रिव्यू मैं, ये जब प्रोडक्ट खरीदा था उसका 1.5 साल हो गया है, से यूज कर रहा हूँ, तो उसके बाद इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो मुझे तो इसका प्रोस एंड कॉन्स अच्छे से मालूम है, जो आपको बताना है। आप अगर खरीदना चाहते हैं डिश वॉशर तो आपके लिए बहुत सुविधा होगा, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम होगा कि इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है। तो चलिए मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसा दिखता है। जो पैनल है, इस पैनल से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा मोड में आपको डिश वॉशर चलाना है। पैनल में 6 मोड है, इंटेंसिव है, नॉर्मल है, इको है, प्लस केयर है, क्लीन एंड शाइन है एंड मिनी है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा मोड में इसको चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये हम विस्तार से आपको बताएंगे कि कौन सा मोड में क्या फंक्शन है, कितना टाइम लगता है, कितना पानी खर्च होता है। तो दोस्तों ये देखिए डिश वॉशर के अंदर का जो ऐसे दिखता है अंदर से, तो ये है। तो ये जो रैक है, ये रैक पे आपको आपको डिश को रखना है। ये रैक पे यहाँ पे चम्मच वम्मच हता कुंती ये सब रहता है। यहाँ पे आप कप रख सकते हैं, ससर रख सकते हैं, प्लेट रख सकते हैं। छोटा बर्तनों के लिए है, ये छोटा बर्तनों के लिए है। नीच का जो रैक है ये है बड़ा बर्तनों के लिए। यहाँ पे आपका जो यूटेंसिल्स है, बड़ा बड़ा यूटेंसिल्स, कढ़ाई है, हड़ी है, प्लेट्स जो है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये प्लेट्स का सेटिंग है पूरा। ये जो है ना, ये 8 प्लेट सेटिंग्स का है। 8 प्लेट सेटिंग्स का मतलब है जो आपका जो अगर 8 पर्सन है उनका जो पूरा सामान होगा, 8 प्लेट्स होगा, 8 ग्लास होगा, उसके साथ जो बड़ा यूटेंसिल्स छोटा यूटेंसिल्स जो भी लगता है डिनर सर्व करने के लिए 8 पर्सन के लिए, तो वो एक बार 8 पर्सन का डिनर सेट एक साथ में जाएगा। आपको डिटेल्स में बताएंगे 8 प्लेट सेटिंग्स का मतलब एक्चुअली क्या है, कितने यूटेंसिल्स आप एक बार में दे सकते हैं। एक साथ में 96 यूटेंसिल्स एक साथ में रख सकते हैं टोटल। जो प्लेट्स है, सर्विंग बाउल्स है, स्पून्स है, एवरीथिंग लेके टोटल 96 होगा। एक खासियत और है, ये है टेबल टॉप। देखिए हम लोग इसको टेबल के ऊपर ही सेट किया है, ये बिल्कुल छोटा है, मैक्सिमम 2 या 2.5 लोगों के लिए ये परफेक्ट है, मैक्सिमम 3 लोग, उसके ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि यूटेंसिल्स ज्यादा हो जाएगा उसके। इससे ज्यादा अगर फैमिली मेंबर है आपका तो इसके बड़ा लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर न्यूक्लियर फैमिली है, स्वामी स्त्री दोनों है और एक बच्चा है कि 2 बच्चा है, तो आप ये ले सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा आपके लिए। और इसका दाम जो है ना, ये सबसे कम है, 20,000 के आसपास है इसका। और हम लोग लिए थे 1.5 साल पहले, इसको अमेजोन से लिए थे हम लोग, तो 20,000 के करीब पड़ा था ये। तो एक चीज और जानने की आपका बहुत जरूरी है कि हम लोग जो बर्तन मांजने के लिए जो साबुन इस्तेमाल करते हैं तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसके लिए अलग से आता है। ये जो मैं जो यूज करता था पहले वो था आईएफबी का ऑटो डिश डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है ये। ठीक है, ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। 3 चीज लगता है, एक है डिटर्जेंट पाउडर, एक है क्लीन एंड शाइन, जो क्या करेगा आपका बर्तन सुखाने के बाद वो शाइन आएगा, उसमें पानी का जो दाग होता है ना वो नहीं रहेगा। एक चीज जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है डिश वॉशिंग का सॉल्ट है, ये आपको डालना पड़ेगा मशीन स्टार्ट करने से पहले। एक बार डालेंगे तो 2 हफ्ता 3 हफ्ता चल जाएगा ये। जरूरी है क्योंकि वाटर का हार्डनेस रिमूव करता है, यूज नहीं करेंगे तो आपका मशीन खराब हो जाएगा। ये 3 चीज आपको रेगुलरली रिप्लेस करना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं होगा कुछ। वो दिखाया आपको, बहुत सारे डिजाइन मिलता है आपको फ्लिपकार्ट अमेजन में, बहुत मिल जाएगा एक बार सर्च करेंगे तो वो आपको स्पेसिफिकली यूज करना होता है। तो चलिए हम आपको एक लाइट डेमो देते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे जो इंटरेस्ट है कैसे रखना पड़ता है, आपको लाइट दिखाते हैं। तो चलिए, ये है हमारा दोपहर का खाने का बाद का बासन है, जो हमने धुआ नहीं है। तो आपको एक काम करना है, खाना हो गया, बासन आप सिंक में रख दिए तो थोड़ा पानी दे दीजिए उसके अंदर, तो क्या होगा जो कचरा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो जल्दी साफ हो जाएगा और अच्छे से साफ होगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे ये साफ करता है, कैसे यूटेंसिल्स रखना पड़ता है, लाइव डेमो दे देते हैं आपको एक। तो पहले मैं ये ओपन कर लेता हूँ,
ये थोड़ा आगे ले जाता हूँ तो सुविधा होगा मुझे। यहाँ पे देखिए हम लोगों का जूठा बासन पड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पानी का नल है ये ओपन कर लेता हूँ। तो क्या होता है, जो ऊपर का जो मैला है ना वो अगर धुल जाता है पहले तो इसको गंदगी कम होगा, नहीं तो बार बार ये साफ करना पड़ता है। चाली होता है ना उसमें अटक जाएगा और अलग से बार बार उसको निकाल के प्रेशर करना पड़ता है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, पहले थोड़ा पानी दे के ये थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, मेन जो गंदगी था वो साफ हो गया, ये तेल वगैरह जो था ये रह गया। तो हमको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, हम ऐसे ही डिश वॉशर में डाल देंगे इसको। यहाँ पे चम्मच देने का जगह है, दे दिया चम्मच। ये दूध कप है, कटोरा है, ये थोड़ा पहले जल पानी देके थोड़ा धो लिया, फिर दे दिया इसको उल्टा करके। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बर्तन है सब उल्टा करके देना है, क्योंकि यहाँ पे जो जेट्स पे है, देखिए ये जेट्स पे है, यहाँ से पानी निकलता है, ये तो ये सब ऊपर ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे भी एक है आप देख सकते हैं, तो जो अब अगर ऐसे करके देंगे आप अगर ऐसे करके देंगे तो ये साफ नहीं होगा, ये आपको उल्टा करके देना पड़ेगा। देखिए ये हम लोगों का थोड़ा बड़ा थला है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे सेट नहीं होगा, इसलिए इसको हम पीछे डाल देते हैं। तो प्लेट है, ये डिनर सेट का प्लेट है, इसका साइज देखिए ये थोड़ा छोटा है, ये तो इसलिए थला बड़ा है, तो थला अगर पहले नहीं सेट होता है तो पीछे दे सकते हैं आप। यहाँ पे जगह है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, या कौन कौन सा यूटेंसिल्स आप दे सकते हैं, आप स्टील का दे सकते हैं, नॉन स्टिक कुकर दे सकते हैं, और जिसमें डिशवाशर से लिखा रहेगा जो प्रिंट रहता है डिशवाशर से माइक्रोवेव से, वो सब बर्तन आप दे सकते हैं इसमें। लेकिन कोई भी एल्यूमिनियम का चीज़ है, लोहे का चीज़ है, वो आप दे नहीं सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम आप देंगे इसमें तो वो पूरा काला हो जाएगा। कुकिंग के टाइम पे जो बर्तन जमा हुआ था और खाने के बाद का जो बर्तन, देखिए सब अच्छे से सेट हो गया इसे। तो हम अब क्या करेंगे, इसको अंदर डाल देंगे। तो देखिए ये फ्रीली मूव कर रहा है, ये आपको एक बार चेक करना है मशीन ऑन करने के पहले, क्योंकि ये अगर अटक जाएगा तो बिल्कुल ही साफ नहीं होगा। ये वाटर जेट निकलता है और बर्तन को साफ करता है, और नीचे भी है वो तो अटकेगा नहीं, तो कम्प्लीटली फ्री है वो। और जो सॉल्ट जो डालना है, यहाँ से डालना है सॉल्ट, ये ओपन करके सॉल्ट डालना पड़ता है, और ये जो है ये कचरा, जो बर्तन का जो कचरा है वो ये आके जमा होता है, तो ये खोल के साफ करना पड़ता है इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इसलिए थोड़ा साफ कर देता हूँ पहले, ताकि यहाँ पे ज्यादा कचरा ना जाने। डिशवाशर का डिटर्जेंट वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, और जो क्लीन एंड शाइन है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्लीन एंड शाइन से क्या होता है, बर्तन साफ होने के बाद जब ड्राई हो जाता है तो इसमें कोई वाटरमार्क नहीं आता है। तो मैं अभी इसमें डिटर्जेंट डाल दूंगा, मेरा जो बर्तन है उसमें एक चम्मच या डेढ़ चम्मच में हो जाएगा। डिटर्जेंट है अभी, तो चम्मच भी रखा हुआ है, पहले ये ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर डाल देंगे इसको। और यहाँ पे भी थोड़ा डाल देंगे, तो क्या है प्री वॉश में इससे जाता है साबुन, तो प्री वॉश में थोड़ा सा साबुन जाएगा तो अच्छे से साफ होगा। यहाँ पे दो इंडिकेटर और है, एक है क्लीन एंड शाइन का, ये है सॉल्ट का। ये जब ग्लो करेगा तो आपको इसको रिप्लेनिश करना पड़ता है, ठीक है। ग्लो करेगा मतलब ये खत्म हो गया मशीन के अंदर, फिर आपको डालना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लीन एंड शाइन कैसे डालते हैं। पहले आपको ये ओपन करके, ये क्लीन एंड शाइन का बोतल है, ये इसको थोड़ा सा डाल देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए एक ब्लैक मार्क है यहाँ पे, ये जब ब्लैक हो जाएगा तो इसको छोड़ देना है। होने के बाद ये अब फिर से लॉक कर दीजिए, ये लॉक हो गया, ठीक है।
तो मैं अभी ये बंद कर देता हूँ। अभी जो पावर का प्लग है पावर पे लगा देता हूँ, ये ऑन का बटन है, अंदर ऑन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है ये दिखा रहा है। अभी यहाँ पे जो 6 मोड है, आपको पहले ही बोला था, इंटेंसिव है, नॉर्मल है, इको है, लास्ट केयर है, क्लीन एंड शाइन है, मिनी है। अगर कुकिंग करते हैं ज़्यादा तेल मसाला जम गया हो इंटेंसिव में तो आपको ये देना है, इंटेंसिव देना है, ठीक है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए इकोनॉमी है, इसलिए क्या होता है बिजली के बिजली भी बचता है और पानी भी बचता है। इसमें से 8 लीटर पानी लगता है एक बार वॉश करने के लिए, फुल वॉश साइकिल के लिए। ये ग्लास केयर है, ये ग्लास का बर्तन ज़्यादा होगा तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं ग्लास केयर। ये क्लीन एंड शाइन है, इसमें ज़्यादा शाइन करेगा। और ये मिनी है, अगर ऐसा पसंद हो चाय का केटली हो या चाय का बर्तन हो आपको साफ करना है तो आप मिनी में दे सकते हैं, इसमें 30 मिनट में हो जाएगा आपको पूरा। एक हम सिलेक्ट करके दिखाएंगे और यहाँ पे टाइम चेंज होता जाएगा। ये जो ग्लास केयर है ये फुल वॉश साइकिल है 1 आवर 35 मिनट्स का। ये क्लीन एंड शाइन है, ये वॉश टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स का। ये मिनी है, ये 35 मिनट्स का है। ये इंटेंसिव है, ये 2 आवर 40 मिनट्स का है। ये नॉर्मल है 2 आवर 30 मिनट्स का। और है इकोनॉमी 3 आवर 5 मिनट्स का। तो हम आपको अभी इंटेंसिव में वॉश करके दिखाएंगे। चलिए हम मोड सिलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पे प्ले बटन दबा देंगे। देखिए ये चालू हो गया और आपका जो पानी निकालने का जो नॉब है पीछे से लगा हुआ है, ये मैं सिंक के अंदर दे देता हूँ क्योंकि जो पानी निकलेगा यहाँ से निकल जाएगा। मशीन जहाँ पे रहेंगे उसके नज़दीक एक पानी का आउटलेट चाहिए क्योंकि वहाँ से पानी अंदर जाएगा, वो एक सेटअप होगा वहाँ पे। तो हम लोग खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अभी देखिए ये धीरे धीरे मशीन चालू हो गया, अभी ये वॉश करेगा। वॉश होने हो जाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कैसा वॉश हुआ है। तो अब ये मशीन चालू हो गया, देखिए 2 आवर 39 मिनट्स बाकी है इसका। ये हम इंटेंसिव प्रोग्राम में डाले हैं, अगर अपने आप कम करने लगेगा तो हम लोगों को यहाँ पे रुकने का जरूरत नहीं है कुछ। ये खत्म होने के बाद ये बीप साउंड करेगा, तो अब आगे आपको बर्तन निकालना है या देखना है कैसे साफ हुआ है उनको दिखाएंगे। आप ऐसे भी छोड़ भी सकते हैं, ये ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। आपको जो बर्तन चाहिए तो आप इसको खोल के निकाल सकते हैं। अभी भी 35 मिनट बाकी है, इसके बाद ये जब जीरो होगा तब खोल के देखना पड़ेगा कि कैसा साफ हुआ है। ओके दोस्तों, तो हमारा 3 हो गया। ये बंद पड़ा था, मैं तो नहीं था घर पे, ऑन करके चला गया था। आगे देखा कि बंद है, बंद हो गया, पूरा काम हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसा साफ हुआ है। चलिए आप लोगों को एक एक बर्तन निकाल के दिखाते हैं। देखिए ये कैसा साफ हुआ है, ये हो गया पूरा साफ। देखिए दूसरा बर्तन निकल, मिल्क का बर्तन कितना अच्छा साफ हुआ है, इसमें एक मिल्क का परत चढ़ा हुआ था, ये पूरा खत्म, पूरा निकल जाएगा। ये सब कढ़ाई, ये भी बहुत अच्छे से साफ हुआ, ये तो पहले से ही था, ये तो घिस गया है लेकिन साफ हुआ है अच्छा से। तो इसमें से बहुत सारा ऑयल का लेयर था, पूरा एकदम परिष्कार हो गया। देखिए कैसा चमक रहा है, ये थाला भी देखिए एकदम चकाचक। ये भी एकदम चकाचक हो गया। इसका आप एकदम चकाचक हो गया, देखिए कैसा मैला था, देखिए कितना परिष्कार हो गया ये। चलिए ये हम बाद में निकाल लेंगे पूरा बाकी। ये तो हम लोग कभी कभार स्टोरेज की वजह से भी यूज करता हूँ, तन क्लीन हो गया फिर भी यही पड़ा रहता है, जरूरत होता है तब यहाँ से निकालता हूँ। जैसे एक स्टोरेज है ये, ऐसे भी यूज करते हैं कभी कभी लोग, हम लोग तो करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये अगर ये रिव्यू अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक लाइक जरूर देना और दोस्तों को शेयर करना।